इन सात मौकों पर हमेशा मौन रहना चाहिए। जब कोई अपना दुख सुनाए वहाँ मौन रहे, क्योंकि वो अपना दुख सुनाकर बस दिल हल्का करना चाहता है, उसे कोई सलाह नहीं चाहिए। जहाँ लड़ाई हो रही हो और उस लड़ाई से आपका कोई संबंध ना हो, वहाँ मौन रहे, वरना आप खुद को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल लेंगे। जब कोई आपसे किसी और की बुराई करे वहाँ मौन रहे, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया को वो कल किसी और को सुनाएगा। जब किसी विषय पर आपका ज्ञान अधूरा है, ऐसे विषय पर बोलने से आप गलत बोल जाते हैं और आपकी वैल्यू कम होती है। जब सामने वाले को आपकी बातों से कोई मतलब ना हो, ऐसी जगह बोलने से आपका मजाक बनता है और मूर्खता प्रकट होती है। जब कोई आप पर गुस्सा करे या अपमानित करे, वहाँ जवाब में आपके मुंह से गलत बात निकल सकती है। इसीलिए मौन रहें ताकि गलती आपकी तरफ से ना हो। जब आप गुस्से में हो, आपके जुबान पर कंट्रोल नहीं रहता और आप बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हैं। ज्ञान, धन और विश्वास। यह कहानी तीन दोस्तों की है। ज्ञान, धन और विश्वास तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। तीनों में प्यार भी बहुत था। एक बार किसी वजह से तीनों को अलग होना पड़ा, तो तीनों ने एक दूसरे से सवाल किया कि आज के बाद हम कहाँ मिलेंगे। तो इस पर ज्ञान ने कहा, मैं मंदिर, मस्जिद और किताबों में मिलूँगा। धन ने कहा, मैं अमीरों के पास मिलूँगा। और विश्वास चुप रहा, कुछ नहीं बोला। जब दोनों दोस्तों ने उससे चुप रहने का कारण पूछा, तो विश्वास ने रोते हुए कहा, मैं एक बार चला गया तो फिर कभी नहीं मिल पाऊँगा। ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि ज्ञान और धन आप जब चाहें तब प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन विश्वास एक ऐसी चीज़ है जो एक बार टूट जाए तो फिर उसका वापस आना बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और रोजाना ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल अल्फा स्टार को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।